A very good morning to all my dear students and welcome to online ventures by example. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस important morning session में, जहां पे मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के लिए Express 365 current affairs के session को लेकर के हाजिर हूँ. जितने बच्चे live हैं session पे, please एक बार session को share जरूर कर दीजिएगा. Starx, very good morning and welcome to the class. Sachin Arora, very good morning, Jai Hind, Namaskar and welcome to the session. I request you all to please quickly connect with me. सभी लोग quickly एक बार session को join कर लें. प्रिया सिंह जी, very good morning. जितनी जल्दी आप join करो session को, उतनी जल्दी मैं इसको start कर पाऊंगा. और कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, एक बार प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिएगा. जो बच्चे लाइव हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन को अटेंड कर सके. चलिए, कैसे हैं आप सब बच्चों? ऑल गुड, ऑल वेल? एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई जरूर करें. जितने भी लोग लाइव हैं सेशन पे, प्लीज एक बार रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर सकूं. चलिए, सबसे पहले हम लोग उन 10 प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे जो मैंने कल आपको न्यूज में पढ़ाई है. तो पहले रिवीजन, और रिवीजन के बाद फिर हम लोग आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. अब मैं डेली 10 न्यूज कवर कर रहा हूँ, साथ में स्टैटिक पार्ट कवर करता हूँ मैं, और साथ में आपको रिवीजन क्वेश्चन 10 करा रहा हूँ. तो इस फॉर्मेट के साथ मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सब चीजें टिप्स के क्लास के अंदर ही याद हो जाए, लेकिन ये तभी बेहतर हो सकता है जब आप लोग प्लीज थोड़ा सेशन को प्रमोट करोगे. आप स्टार्ट करते हैं आज के क्लास पर. सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस किया है रिटेल डायरेक्ट स्कीम टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. आरबीआई ने हाल ही में जो खुदरा प्रत्यक्ष योजना चलाई है, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए, तो ये सुविधा किनके लिए लाई गई है? इंडिविजुअल्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ग्लोबल कंपनीज के लिए, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये पूछा गया है आपसे. जो और याद रखना, जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसके थ्रू आप आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के अपने लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं, और उस अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना. और ये किसके लिए है बेटा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए एक फैसिलिटी है, क्योंकि डायरेक्टली आप आरबीआई के साथ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. जो लोग लाइव हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. आप लोग सेशन को लाइक भी करते चलो अगर अच्छा लग रहा है तो. कोंगू नाडु रिसेंटली बीन इन पॉलिटिकल डिबेट्स, फाइंड इट्स मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट लिटरेचर्स. हाल ही में राजनीतिक बहसों में रहे कोंगू नाडु का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मिलता है? यानी कि ये जो कोंगू नाडु रीजन है, जिसको हमने कहा था कि ये वेस्टर्न तमिलनाडु का पार्ट है, इसमें कोयम्बटूर आता है, ठीक है, नीलगिरी आती है, ठीक है ना, इसमें सेलम आता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं. तो कोंगू नाडु का जो जिक्र है या इसका जो मेंशन है, सबसे पहले इनमें से किस साहित्यिक पुस्तक में की गई थी? ऋग्वेद में, संगम साहित्य में, कुरुंटोकाई में, या फिर नरीनाई में? ये चार ऑप्शन दिए गए. और आपसे पूछा गया है कि जो कोंगू नाडु है, ये पॉलिटिकल डिबेट्स में रही है काफी दिनों से, इसकी चर्चा सबसे पहले किस एंशियंट लिटरेचर में की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप क्या बताओगे? तो सबसे पहले कोंगू नाडु का जो जिक्र है वो किस में किया गया है? संगम लिटरेचर में. और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी जो यूनियन कैबिनेट का सिलेक्शन किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो तमिलनाडु के इस वेस्टर्न रीजन के को डोमिनेट करते हैं, इसलिए इसका इस पर्टिकुलर न्यूज का जिक्र किया गया है. गुड मॉर्निंग शिखा सिसोदिया जी, वेलकम टू द क्लास. बराक वैली which was in news for carrying out explosion by the miscreants is situated in which Indian state? Barak Ghati, जो कि उपद्रवियों द्वारा विस्फोट करने के लिए चर्चा में थी, भारत के किस राज्य में स्थित है? कल मैंने आपको समझाया था कि दो स्टेट्स के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में एक आप कह सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, असम और मिजोरम के बीच में. और असम और मिजोरम ही एकमात्र स्टेट्स नहीं है इंडिया, एकमात्र स्टेट नहीं है इंडिया में जहां पे कोई डिस्प्यूट चल रही है. बहुत सारे ऐसे, जब साउथ में आप जाओगे तो इंडिया के सदर्न रीजन्स में बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे वाटर शेयरिंग को लेकर के बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रही हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो बराक घाटी है, जहां पे उपद्रवियों के द्वारा विस्फोट कराई गई है, जो अभी चर्चाओं में चल रही है, किस राज्य में स्थित है? मिजोरम का पार्ट है, मणिपुर का पार्ट है, नागालैंड का है, या असम का है? ये पूछा गया है. तो आप क्या बताओगे? अगर हम बराक घाटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? असम में. और असम फेमस है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के लिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, इसके बाद यहाँ पे आपको
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व भी है दिब्रू साइखोवा, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑयल फील्ड्स, वर्ल्ड इंडिया का पहला जो ऑयल फील्ड है वो 1501 एडी में खोदा गया था, कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए डिगबोई में। तो ये जो असम वैली है या जो असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र का जो पूरा बेसिन एरिया है, ये ऑयल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में। व्हाट वाज द इंडियाज कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द फाइनेंशियल ईयर 2020? फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत में उर्वरक की खपत कितनी थी? मैंने आपको कल बताया था कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार है वो कुछ फाइनेंशियल स्कीम लेकर के आ रही है, जिसके थ्रू जो बायो फर्टिलाइजर्स है, जो एनिमल वेस्ट है, उसको कलेक्ट करके फर्टिलाइजर्स को डेवलप किया जाएगा। और यूरिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो कि टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन का 55% अकेला यूरिया है, जिसको सब्सिडी पे प्रोड्यूस की जाती है और सब्सिडाइज रेट पर फार्मर्स को दिया जाता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उस यूरिया के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करके और इंडिया में आप कह सकते हो स्वदेशी तकनीक से खाद बनाने, उर्वरक बनाने की जो प्रतिदिन उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में बताया गया है कि 61 मिलियन टन जो है हमारी क्या थी, खपत थी, और इस पूरे कंजम्पशन का 55% वाज विच वन, यूल से यूरिया। और 2021 में ये 5 मिलियन टन से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ये लगभग कितना होगा, तो 61 मिलियन टन। ठीक है, मैंने कल समझाया था आपको कि 5 मिलियन टन से ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी खपत। अगला है कि इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड इट्स 10th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 पोजेडियन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द एयरक्राफ्ट? भारतीय नौसेना को अपना 10वां पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री गश्ती विमान P-8I पोजेडियन प्राप्त हुआ है। इस विमान का विकास किस देश ने किया है, रशिया ने, जापान ने, यूएस ने या फिर फ्रांस ने, ये पूछा गया है। ये जो P-8I पोजेडियन है, इसकी डेवलपमेंट इनमें से किस कंट्री के द्वारा की गई है, जिसको कि इंडिया ने अभी रिसीव किया है अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, प्लीज एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग लाइव है, प्लीज डू इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। जो लोग लाइव आ चुके हो, प्लीज एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दो और सेशन को लाइक करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। सी इज द आंसर, यूएसए हो जाएगी इसका आंसर, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी एथलीट्स इंडिया विल बी सेंडिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कितने एथलीट को भेजेगा, 110, 119, 135 या 178, ये पूछा गया है। आपको मैंने कल बताया था कि जो पूरा दल है हमारा, जो पूरी कंटिजेंट है, ये कितने लोगों की है, द एंटायर कॉन्टिजेंट कंप्राइज ऑफ 282, टोटल 282 है, और इस 282 में से 119 क्या है, तो आप क्या बताओगे, एथलीट्स है। 119 क्या है, एथलीट्स है, ये ध्यान रखना, 119 एथलीट जा रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, 119। विथ विच हैज इंडिया साइंड द डील फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? भारत ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए इनमें से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर म्यांमार के साथ? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया हैज साइंड द डील फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? ठीक है ना, किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? प्लीज गो फॉर द आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने सत्यम, कि उस 119 में से 67 and 52। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई सभी लोग, जितने लोग लाइव बैठा प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द नेपाल, नेपाल के साथ। और ये दूसरा मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको नेपाल में डेवलप किया जा रहा है इंडिया के असिस्टेंस से। Who among the following has won the European Golden Boot at the Euro 2020? निम्नलिखित में से किसने यूरो 2020 में यूरोपीय गोल्डन बूट जीता है? ठीक है ना, इसको गोल्डन बूट भी कहते हैं, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, गोल्डन शूज भी कहते हैं, और ये दिया जाता है किसको? It is awarded to those footballer who have scored maximum number of goals. Who scores मैक्सिमम गोल्स, जो सर्वाधिक गोल करता है उनको ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसका नाम क्या है, इट्स द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ही इज फ्रॉम विच कंट्री,
you will say Portugal. He's from which country? You will say it's the Portugal. This is very very important. Portugal. और साथ ही साथ ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो आपको पता है जुवेंटस, जो जुवेंटस क्लब है उसके लिए भी खेलते हैं। और मेसी कहां से है? अर्जेंटाइन, अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल या फिर सिंगापुर? ये पूछा गया है। द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट करने वाला जो हमारा भीम पे है, भीम एप्लीकेशन भी है हमारा, इसको अडॉप्ट करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? तो आप बताएंगे भूटान है। These the correct answer. Who has written his memoir, The Riding Free, My Olympic Journey? इसने अपना संस्मरण Riding Free, My Olympic Journey को लिखा है? Fabio Magni ने, Ian Stark ने, Mary King ने या Anees Imtiaz ने? Who among the following has written his memoir, The Riding Free, My Olympic Journey? Please go for the reply. एक बार सभी लोग इसको reply करें। The memoir Riding Free, My Olympic Journey has been authored or has been penned down by which of the following Olympic medalist? Please go for it. आप क्या बताओगे? It's the Anees Imtiaz. और ये किस फील्ड से हैं? Equestrian. Equestrian. Equestrian किसको बोलते हैं? Horse rider. Horse rider. Equestrian है ये. चलिए अब आज के न्यूज को स्टार्ट करते हैं हम लोग 16th ऑफ जुलाई के लिए। आज का सबसे पहला न्यूज है कि वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई है, उन्होंने अपॉइंट किया है पहला ऑनररी काउंसिल जनरल इन इंडिया। वियतनाम ने अपने पहले ऑनररी काउंसिल जनरल को अपॉइंट किया है इंडिया में, और ये न्यूज ली गई है हिंदू से। आपको पता है कि हिंदू साउथ के न्यूज को बहुत कवर करती है, तो विभिन्न राज्यों के साथ सहयोग को गहरा करने के लिए वियतनाम के प्रयासों के हिस्से के रूप में उद्योगपति एनएस बेंगलुरु, उद्योगपति बेंगलुरु स्थित श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो इन आप कह सकते हो कि जो वियतनाम गवर्नमेंट है वो अपने रिलेशंस को, अपने कोऑपरेशंस को इंडिया के स्टेट्स के साथ डीप करने के लिए, बेहतर करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट एनएस श्रीनिवासन मूर्ति को, ठीक है ना, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, अपॉइंट किया है ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ वियतनाम फॉर द कर्नाटका रीजन। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना। ये उद्योगपति हैं एनएस श्रीनिवास मूर्ति, जो कि कहां पे है? बेंगलुरु से, इनको की ऑनररी काउंसिल जनरल अपॉइंट किया गया है। कहां का? वियतनाम का। ये पहले ऑनररी काउंसिल जनरल है वियतनाम के फ्रॉम इंडिया एंड द 19th अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये तीसरे काउंसिल जनरल हैं जिनको की इस साल ग्लोबली क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है। तो ये जो एसएन श्रीनिवास मूर्ति हैं, ये ओनर और मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर हैं एनके सुबैया सेट्टी एंड संस नाम की कंपनी की, विच इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती, ठीक है, जिस 1932 से। तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर एनएस श्रीनिवास मूर्ति, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको वियतनाम का ऑनररी काउंसिल जनरल अपॉइंट किया गया है, ये खुद एमडी है किस चीज के? एक इंसेंस यानी कि अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है उसकी 1932 से। इसको आपको ध्यान रखना है। This is the aim of the 5-year long journey of the Vietnamese embassy to look for a genuine and worthy honorary consul in Bangalore with the jurisdiction for Karnataka. ठीक है ना? और Vietnam is also looking for the honorary consul general for 5 states and this was the first one approved. यानी कि Vietnam जो है वो इंडिया के 5 स्टेट में अपने काउंसिल जनरल को क्या करना चाह रही है? अपॉइंट करने जा रही है, जिसमें से पहला जो है अपॉइंटमेंट किया गया एनएस श्रीनिवास मूर्ति का। ठीक है ना, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस काउंसिल जनरल के थ्रू, वो ये है कि इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म की जाती है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, उसको और भी क्या किया जाए, तो आप कह सकते हो डिपेंड किया जाए, उसको और भी बेहतर किया जाए। राजेश मंडल जी, ये सेशन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझो कि केवल एनडीए के लिए सेशन है, केवल सीडीएस के लिए है। ये करंट अफेयर्स आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल होगा, तो प्लीज इसको आप लोग थोड़ा सा देखा कीजिए।
India's consumer price index continues to stay above RBI's target band. Inflation is at 6.26% in June 2021. अभी देखो, अभी RBI ने अपने जो तिमाही जो क्वार्टरली रिव्यूज हैं उसके अंदर एक रिवील किया है कि भारत में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो कितना है? अभी भी 6.26% है। और आपको पता है कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें ये चीजें और भी खराब हुई हैं, ठीक है ना? तो कंज्यूमर और CPI क्या होता है? CPI बेसिकली हम कहते हैं इट्स अ टूल, ये एक इंडेक्स है, ये एक सूचकांक है जिसको इंडिया में RBI यूज करती है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को मेजर करने के लिए। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये RBI के टारगेट बैंड से ऊपर स्टैंड कर रहा है, यानी कि जितना RBI ने फिक्स किया था कि हम अपने इन्फ्लेशन को मेंटेन रखेंगे या अपने इन्फ्लेशन को हम लोग कहीं ना कहीं नीचे रखेंगे, वो नीचे करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, वो अपने टारगेट लेवल से क्या है, काफी ज्यादा है। तो जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन डेटा है वो कितना परसेंट है? 6.26% जून 2021 में, कंपेयर टू द फाइनल 6.3% इन द प्रीवियस मंथ। लेकिन अगर हम मई और जून के आंकड़ों को देखें या मई और जून के इन्फ्लेशन को देखें, तो मई के मंथ में जो CPI इन्फ्लेशन था वो 6.3 था और जून महीने में ये 6.26 है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उनके हिसाब से जो प्राइस डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि 1114 अर्बन मार्केट्स और 1181 विलेज मार्केट्स को इंक्लूड की गई है, उसके बेसिस पे ये डेटा सामने आया है कि इंडिया का जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो क्या है, 6.26% है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2021 जो नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कलेक्टेड prices from 99.6% villages and 98.6% urban markets, while the market wise price reported there were 78.7% for the rural and 82% for the urban. ये data important नहीं है, मतलब simple ये कहा गया है कि village area, rural areas और urban areas में जो markets हैं और उन markets में जो products sold की जाती थी उसके basis पे ये data compile किया गया है national sample organization के द्वारा, और उन्होंने इस बात को रिवील किया है कि इंडिया के अंदर जो रिटेल बेस्ड CPI इन्फ्लेशन है वो कितना है, 6.26%। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6.26%, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। और जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये भी बढ़ गया है टू 5.15% इन जून 2021, जो कि मई में कितना था, 5.01%। यानी कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके अंदर भी प्राइस में राइज हुआ है, उनके अंदर भी कीमतों में वृद्धि हुई है, जो मई के महीने में 5.01% था वो जून के महीने में बढ़कर के 5.1% हो गई है, ठीक है ना। जो इन्फ्लेशन रेट है फूड एंड बेवरेजेस का वो 5.58% पे था, ठीक है ना, जबकि पान, टोबैको और जो इंटॉक्सिकेंट्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स है, ठीक है ना, वो कितने पे है, 3.98% पे। जब हम क्लोथिंग और फुटवेयर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 6.21%, यानी कि कपड़े और जूते जो हैं वो क्या है, महंगे हुए हैं, ठीक है ना, जबकि जो हाउसिंग इन्फ्लेशन है ये 3.7% पे है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन वेयर एट द 12.68% इन जून 2021, यानी कि सबसे ज्यादा महंगाई किसमें पड़ी है, ईंधन में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन रेट है 12.68% का वो फ्यूल का है। ओवरऑल इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी, तो 6.26%, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन रेट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस कितने पे है, 5.58 पे, पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स कितने पे है, 3.98 पे। बट आपको तीन फिगर ध्यान रखना है, ये जो फ्यूल वाला फैक्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो अगर हम ईंधन की बात करें, अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल सेक्टर में जो महंगाई का दर प्रतिशत है वो कितना है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, 12.68% है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस डेटा, दिस इज ऑफ हायर इंपॉर्टेंस टू यू ऑल। इज दिस न्यूज क्लियर टू यू, सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? एक बार जितने बच्चे लाइव हैं सेशन पे, प्लीज बेटा एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और थोड़ा प्रमोट करो आप लोग सेशन को। मैं इतनी सुबह उठ के मेहनत करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन को देखें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे सपोर्ट करो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है बेटा समझने में क्वेश्चंस को या समझने में न्यूज को, तो प्लीज मुझे खुल करके बोलिए कि सर आप ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हो या आपका समझाने का तरीका गलत है। आपको जो भी सही चीजें लगती है मेरे लिए गलत, आप मुझे बोल सकते हो, और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो प्लीज सेशन को तो लाइक और प्रमोट जरूर कीजिएगा, बस इतनी सी गुजारिश है, और मैं क्या बोलूं आपको, ठीक है। चलिए
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन REL, इसका जो विंग है, जो आर्म है, ठीक है ना, NTPC का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, इट इज गोइंग टू सेटअप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख। तो भारत के लद्दाख में NTPC की एक सब्सिडरी है REL, वो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना जो है उसको क्या करने जा रही है, सेटअप करने जा रही है, ठीक है ना, जिसमें कि कार्बन फुटप्रिंट जीरो होगा और एमिशन ऑफ कार्बन कम होगी, ठीक है ना। तो स्टेट रन पावर जाइंट NTPC ने कहा है जिसकी जो आर्म है NTPC REL, वो सेटअप करेगी भारत कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन लद्दाख, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है NTPC की जो सब्सिडरी है REL, वो लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना स्थापित करेगी। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कौन से प्लेस पे एस्टेब्लिश की जाएगी, तो आप बताओगे लद्दाख में, और किसके द्वारा, तो NTPC की सब्सिडरी REL के द्वारा। जो NTPC REL है ये 100% सब्सिडरी है NTPC की, और इन्होंने MOU साइन किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ, जहां पे कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। और ये जो MOU है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, इट हैज ऑल्सो मार्क्ड विद द इनॉग्रेशन ऑफ NTPC's फर्स्ट सोलर इंस्टॉलेशन इन ले इन द फॉर्म ऑफ सोलर ट्रीज एंड अ सोलर कार पार्क। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो MOU साइन किया गया है लद्दाख में, तो उस MOU के साइन करते ही NTPC ने अपना पहला सोलर प्लांट जो है वो एस्टैब्लिश किया है, कहां पे, लद्दाख के लेह रीजन में। ये भी आपको ध्यान रखना है, लद्दाख के लेह में पहली बार NTPC REL के द्वारा, जो कि सब्सिडरी है NTPC की, पहली बार क्या किया गया, लेह में सोलर ट्री और सोलर कॉर्पोरेट को क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। ये जो MOU साइन की गई है NTPC और लद्दाख स्टेट UT के द्वारा, उसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि लद्दाख में ये डेवलप करेगी कार्बन फ्री इकोनॉमी को बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। इस समझौते के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि जो हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, और कह सकते हो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है ना, इसको जनरेट करने की कोशिश की जाएगी लद्दाख रीजन में, और लद्दाख की जो इकोनॉमी है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ड्रिवेन होगी। किसके ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ड्रिवेन होगी, जहां पे कार्बन का एमिशन बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है ना। और जो रियो कॉन्फ्रेंस है 92 का, या अर्थ समिट 92 का, वो भी यही कहता है कि यदि आप इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो तो आपको एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और ये जो MOU है लद्दाख में वो साइन किया गया है वहां के उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, उनके उपस्थिति में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। और NTPC ने अभी हाल ही में अपने पावर जनरेशन के टारगेट को क्या किया, रिवाइज करते हुए कहा है कि वो 60 GW रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करेगी 2032 तक। तो अगर ये पूछा जाए कि NTPC का क्या टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का, तो आप बताओगे 2032 तक इनका टारगेट है कि 60 GW रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करेगी, डेवलप करेगी, जो कि अर्लियर टारगेट्स का लगभग क्या है, दोगुना है। इसको आपको ध्यान रखना है। और NTPC ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे सेटअप किया है, विशाखापट्टनम में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की लार्जेस्ट, ठीक है ना, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है, इंडिया की लार्जेस्ट, ठीक है ना, जो फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है वो कहां पे सेटअप किया गया है, विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। और पहला जो NTPC की सब्सिडरी REL है, वो जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है, वो कहां पर, तो आप बताओगे लद्दाख में। कोई डाउट यहां तक? तो इंडिया का पहला जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है 10 MW का, वो कहां पे सेटअप किया गया है, तब क्या बताओ। MOU क्या है? MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU क्या है? पेपर होता है, एक दस्तावेज होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, और उस पे हस्ताक्षर या सिग्नेचर वो दो पार्टीज करती हैं जो उस एग्रीमेंट को फॉलो करेगी। ऋषभ राज, क्लियर है बेटा? MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन, ठीक है ना, एक पेपर जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है। संकल्प से सिद्धि, मिशन बंधन, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक मुहिम है, एक इनिशिएटिव है, संकल्प से सिद्धि। और आपको पता है कि जो अर्जुन मुंडा है वो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, तो श्री अर्जुन मुंडा जो मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने लॉन्च किया है ट्राइबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं
जनजातीय आजीविका पहल, ठीक है ना, संकल्प से सिद्धि, इसका नाम है मिशन वरदान। ये है क्या? तो अर्जुन मुंडा जो कि मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, उन्होंने लॉन्च किया है ट्राइबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव संकल्प से सिद्धि मिशन बंधन। सेवन न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड वर्चुअली एट जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और साथ ही साथ कहां पे, सारनाथ, ठीक है ना। तो जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में वस्तुतः 7 नए ट्राइबल इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो ट्राइबल इंडिया आउटलेट है, इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा जो भी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है, उनको क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग हैम्पर्स, ट्राइब्स इंडिया कैफे टेबल बुक, न्यू ट्राइफेड हेड ऑफिस वे आर ऑल्सो इनोग्रेटेड इन दिस मेगा इवेंट, ठीक है ना। इस ये जो मंत्री हैं हमारे, इन्होंने इस ट्राइबल इंडिया आउटलेट्स को इनोग्रेट करने के साथ साथ, ठीक है ना, इम्यूनिटी बूस्टिंग हैम्पर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ट्राइबल का जो ट्राइब्स के लिए जो इंडिया कॉफी टेबल बुक है इसको इन्होंने, इसका विमोचन किया है, ट्राइफेड के हेड ऑफिस को उन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया इसके अंदर। The event also witnessed the inauguration and launch of several other programs including Sankalp Se Siddhi, Mission Bandhan, 7 New Tribe India Outlets, Bandhan Website, Software Application, Coffee Table Book. मतलब ये कुछ नहीं था, simply आप कहोगे कि आपसे simple सवाल पूछा जाएगा कि Sankalp Se Siddhi जो Mission Bandhan कार्यक्रम है ये किस मंत्रालय की initiative है, तो आप बताओगे Tribal Ministry की, जिसके द्वारा, ठीक है ना, जो Tribal communities हैं उनको exposure देने का काम किया जाएगा पूरे इंडिया में, ठीक है ना। और जो ट्राइफेड है, द गोल ऑफ द ट्राइफेड इज टू कनेक्ट द एंटायर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द कंट्री विद द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड श्योरली वी विल बी अचीविंग सक्सेस इन दिस प्रोग्राम। मतलब जो ट्राइफेड है, इसका लक्ष्य क्या है कि जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं कंट्री के, ठीक है ना, हमारे देश के अंदर, उन सबको ऐसे प्रोग्राम से कनेक्ट करना, ऐसे कार्यक्रम से जोड़ना जिनसे कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। यानी कि जो सबसे पिछड़ी समुदाय है, जो सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी है, वो क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है, क्योंकि उनको जितना उनको जो एक्सपोजर मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र विशेष में, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या है, कन्फाइन है। तो उनको उस जिंक से बाहर निकालने के लिए ये जो इनिशिएटिव है संकल्प से सिद्धि या जो ट्राइफेड है, वो हर संभव प्रयास कर रहा है कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सपोजर दे, जिससे और ऐसे प्रोग्राम से उनको इंटरलिंक करें जिनसे कि उनको प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उनके जो लाइवलीहुड, उनकी जीविका है, उसको हम इनहेंस कर सकें। चलिए, जॉर्जिया सेंट क्वीन रिटर्न्स होम फ्रॉम गोवा चर्च, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इमोशनल इवेंट था जिसमें जो जॉर्जियन कैपिटल है तबिलिसी, वहां पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है ना, एस जयशंकर, उन्होंने एक जो आप कह सकते हो अवशेष हैं, या आप कह सकते हो जो बॉडी रुइंस हैं सेंट क्वीन की, उनको क्या किया है, जॉर्जियन गवर्नमेंट को वापस किया है। समझो इसके बारे में, द रेलिक्स ऑफ द क्वीन केतवन, रानी केतवन के जो अवशेष हैं, रिवर्ड एज केतवन द मार्टर, हैड बीन टेकन टू गोवा वेयर दे रिमेन्ड हिडन इन द चर्च कॉम्प्लेक्स अंटिल देयर डिस्कवरी इन 2005। ऐसा माना जाता है कि रानी केतवन जो है, जिन्हें केतवन शहीद के नाम से जाना जाता है, को गोवा ले जाया गया, जहां वे 2005 में उनकी खोज तक एक चर्च में छिपे रहे। मतलब कहा जाता है कि जो रानी केतवन है वो जॉर्जियन क्वीन थी। इनके बारे में एक स्टोरी है कि इनको बहुत ब्रूटली मारा गया था और इनको और इनके जो अवशेष थे उनको प्रिजर्व किया गया था गोवा के एक चर्च में, ठीक है ना, जिसकी डीएनए टेस्टिंग की गई और ये कंफर्म किया गया कि ये जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, ये रानी केतवन की हैं। बाद में जो जॉर्जियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि आप हमारे रानी के अवशेष को क्या कीजिए, वापस कीजिए। और इनके इस इनिशिएटिव पे जो इन इस गोवा के चर्च से इनके रेलिक्स को निकाल करके और जॉर्जियन गवर्नमेंट को क्या किया गया, सौंपा गया गया है। तो जॉर्जिया की जो राजधानी है तबिलिसी में, इस शनिवार को आपको ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, उन्होंने हैंड ओवर किया है पार्ट ऑफ द रेलिक्स टू इट्स गवर्नमेंट एंड द पीपल एट एन इमोशनल सेरेमनी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज होलीनेस एंड बेटिट्यूड इलिया टू कैथलिक पैट्रियार्क ऑफ ऑल जॉर्जिया एंड प्राइम मिनिस्टर इराकली गरीसेल्वी। आपको ध्यान रखना है गैरीवा सविली, आपको ध्यान रखना है कि ऑल जॉर्जिया के कैथलिक और प्रधानमंत्री इराकली की उपस्थिति में एक इमोशनल सेरेमनी के अंदर जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने रानी केतवन के जो अवशेष हैं
उसको क्या किया है, जॉर्जियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया है. इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट एंड हार्डवर्क टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ क्वीन केतवन. मतलब ये जो अवशेष इस गोवा के चर्च में रखे थे, इसमें जॉर्जियन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि ये अवशेष जो है रानी केतवन की है. तो सबसे पहले इसको कई साल लग गए इस बात को एस्टेब्लिश करने में कि ये रिलिक्स केतवन की हैं. और फ्रॉम काखेती, जो कि एक राजवंश था कहां पे, ईस्टर्न जॉर्जिया में, उनकी ये महारानी थी जिनको टॉर्चर करके मारा गया था 1624 सिराज में. सिराज कहां पे है, ईरान. यहाँ की वाइन बड़ी फेमस है. तो जब सफेविद डायनेस्टी का रूल था ईरान में, तो वहीं सिराज नामक शहर में जो रानी केतवन है उनको बहुत ही यातनाओं के साथ मारा गया था, ठीक है ना. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एट द इंस्टेंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द CSIR, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने एक DNA एनालिसिस करने के बाद इन रेलिक्स को जांचा और कंफर्म किया कि ये जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, वो किसके हैं, रानी केतवन के हैं. और 2017 में जॉर्जियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट किया था इंडिया को, ये जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष है रानी केतवन की, ठीक है ना, उसको एग्जीबिशन के लिए भेजा जाए 6 महीने के लिए. और रिलैक्स विल पर्सनली ग्रीटेड बाय हिज होलीनेस बेटुडेट लिया. तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जॉर्जियन क्वीन जो केतवन है, उनके अवशेषों को गोवा के चर्च से टेस्टिफाई करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा इसको ऑथेंटिकेट करने के बाद जॉर्जियन गवर्नमेंट को क्या किया गया है, क्या बताओगे, वापस किया गया है. इसको आपको ध्यान रखना है. चलिए हम लोग चलते हैं अगले न्यूज की तरफ. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को क्या किया है, लॉन्च किया है. अब ये है क्या, इसको देखते हैं हम लोग. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा की है अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, जिसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो कम से कम 2025 तक टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल का 10% हो. यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नई नीति लाई है, उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि बाई द ईयर 2025 तक महाराष्ट्र की सड़कों पे जितने भी टोटल व्हीकल्स रन करेगी, उस टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल का 10% क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल. यानी कि अगर 5 लाख व्हीकल है, अगर 5 लाख व्हीकल सड़कों पर दौड़ रही है 2025 तक महाराष्ट्र में, तो उस 5 लाख में से 50,000 जो व्हीकल है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. और ये इनिशिएटिव इसलिए ली जा रही है ताकि जो कार्बन एमिशन है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, उसको हम क्या कर सकें, डिक्रीज कर सकें. ये जो नई पॉलिसी है इसको अपडेट किया गया है, जो कि अनाउंस किया गया था 2018 में और रिलीज किया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आशीष सिंह और जो स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे के द्वारा, ठीक है ना. इस पॉलिसी का केवल एक ही एम्बिशियस टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है एटलीस्ट 10% होना चाहिए टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स का बाय द एंड ऑफ 2025. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, जिसको रिलीज किया गया है महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट आशीष सिंह के द्वारा. स्टेट ऑल्सो वॉन्ट्स टू अचीव 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक. और इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो सरकारी बसें चलती हैं, कहां पे, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, औरंगाबाद में, नासिक में, जो वहां की सबसे मेजर सिटीज है महाराष्ट्र की, तो इस न्यू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि 25% ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के फॉर्म में, ठीक है ना. इसको आपको ध्यान रखना है. एंड इट इंक्लूड्स कन्वर्टिंग 15% ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फ्लीट इनटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बाय 2025. जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो उनका राज्य परिवहन चलने वाली बसें हैं, उसमें से 15% जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस हैं, उसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लीट में, इलेक्ट्रिक बसेस में क्या की जाएंगी, आप क्या बताओगे, कन्वर्ट की जाएंगी. एम आई क्लियर टू यू. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई हैं. पहली इंपॉर्टेंट चीज ये लाई गई है कि हमें टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल का 10% व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए 2025 तक. और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी कहा गया है कि 25% ऑफ द व्हीकल जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होनी चाहिए. जिसमें से ये भी कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, जो सरकारी बसें हैं, उसको 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा. चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है गुजरात का, इट हैज नाउ अ 5-स्टार होटल अटॉप इट्स रेलवे ट्रैक। तो जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है उसके रेलवे ट्रैक के ऊपर आप सोचो कितना अद्भुत चीज बनाया गया है कि नीचे रेलवे ट्रैक है और उसके ठीक ऊपर एक 5-सितारा होटल, एक 5-स्टार होटल को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। इंडिया का पहला 5-स्टार होटल ओवर अ रेलवे ट्रैक हैज बीन बिल्ट एट द गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन बाय द इंडियन रेलवे स्टेशंस रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन IRSDC, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे स्टेशंस रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे स्टेशंस रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर जो लाइव रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर एक 5-स्टार होटल को क्या किया गया है, डेवलप किया गया। और ऐसा इसलिए कि जो वहां पे आने वाले यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको एक बेहतर सुविधा दी जा सके। ये जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है इसको रेनोवेट किया गया है और इसको मॉडर्न एमिनिटीज के साथ एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है पैसेंजर्स के द्वारा। जो स्टेशन का इंटीरियर डिजाइन है इसको अपग्रेड किया गया है, इसमें अट्रैक्टिव वॉल पेंटिंग्स लगाई गई हैं और भी बहुत सारे पेंटिंग्स को ऐड किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट वर्क को जोड़ा गया है, ठीक है ना। और इस आर्ट वर्क में जो गुजरात का रिच हेरिटेज कल्चरल है उसको क्या किया गया है, मैनिफेस्ट किया गया है, ठीक है ना। ये जो इंडिया का पहला 5-स्टार होटल है ऑन एयर स्पेस, ये अपने आप में एक पहल है, ये अपनी तरह का पहला होटल होगा जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। और ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो आज से चार साल पहले 2017 में पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। ये जो होटल डेवलप किया गया है गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ठीक ऊपर, इसमें टोटल 318 रूम्स हैं, ठीक है ना। और इसमें पैसेंजर्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इस होटल को डेवलप किया गया है ताकि आकर के लोग यहाँ पे रह सकें। और आपको ध्यान रखना है ये जो 5-स्टार होटल डेवलप किया गया है ये स्थित कहाँ पे है, तो आप बताओगे महात्मा मंदिर कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर, जो कि 34 एकड़ लैंड पर क्या है तो आप बता दो, फैली हुई है। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो होटल है, ये जो 5-स्टार होटल है जिसको कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन ट्रैक के ऊपर बनाया गया है, इसमें टोटल 318 क्या है रूम्स है और ये लगभग कितने 34 एकर्स ऑफ लैंड पे क्या है फैला हुआ है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? क्या ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? एक बार सभी लोग रिप्लाई करें मुझे क्विकली। चलिए, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए विश्व 2021 का एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस साल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड समराइजेस द फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड मॉल न्यूट्रिशन फॉर 2020 एंड ऑफर्स सम इंडिकेशन ऑफ व्हाट हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन वुड लुक लाइक बाय 2030। आपको बता दूं मैं कि खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के ऊपर 2020 के लिए के रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में हंगर और मॉल न्यूट्रिशन यानी कि भुखमरी और कुपोषण की क्या हालात होंगे उसको लेकर के एक प्रोजेक्शन किया गया है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि लगभग 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि लगभग 811 मिलियन पीपल है वेंट हंगरी इन 2020। 2020 में पूरे विश्व का 1/10 भाग, विश्व के आबादी का लगभग 10वां हिस्सा, जो लगभग 811 मिलियन लोग थे 2020 में क्या थे, भूखे रह गए, ठीक है ना। इनको खाना सही से पर्याप्त नहीं मिल पाया और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि लगभग 660 मिलियन पीपल जो है वो स्टिल हंगर को फेस करेंगे, भुखमरी का सामना करेंगे 2030 तक, ठीक है ना। एंड 30 मिलियन मोर पीपल देन इन अ सिनेरियो इन विच द पेंडेमिक हैज नॉट अकर्ड ड्यू टू लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ COVID-19 ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो ऐसा अनुमानित किया गया है, ठीक है ना, कि जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जो COVID-19 के प्रभाव है इस कारण से 2030 में लगभग 660 मिलियन लोग अभी भी भूख का काम सामना कर सकते हैं और उस परिदृश्य की तुलना में 30 मिलियन अधिक लोग इसमें महामारी नहीं हुई थी। आई बात समझ में? यानी कि 2020 में ये एस्टिमेट लगाया गया है कि लगभग 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वेंट हंगर और 2030 तक ये फिगर कहां पे चली जाएगी, 660 मिलियन तक। इसको आपको ध्यान रखना। The setback makes the achievement of the sustainable development goal for zero hunger and ending all forms of malnutrition more challenging. और ये जो रिपोर्ट अभी 2020 की आई है, इससे जो हमारा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमें जीरो हंगर को अचीव करनी है कि पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस गोल को अचीव करने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है, ठीक है ना, कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल टारगेट्स है 2030 तक, इसको भी अचीव करने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 44% ऑफ द इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ्स ऑफ एज वर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड इन 2019, व्हिच इज अप फ्रॉम 37% इन 2012, बट द प्रैक्टिस वेरीज कंसिडरेबली अमंग द रीजंस। इसमें यह कहा गया है कि पूरे विश्व के 44% जो नवजात शिशु हैं, जिनकी उम्र 6 महीने से कम है, उनको मदर के द्वारा ब्रेस्ट फीड किया गया 2019 में, जो कि 2012 के कंपैरिजन में 34% क्या है, ज्यादा है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन है, जो बाल कुपोषण है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और लगभग ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 149 मिलियन चिल्ड्रन वेर स्टंटेड, 45 मिलियन वेर वेस्टेड एंड 39 मिलियन वेर ओवरवेट इन 2020। ये अनुमान लगाया गया इस रिपोर्ट में कि 149 मिलियन बच्चे जो है पूरे विश्व में वो अविकसित थे, ठीक है ना, वो क्या थे, अविकसित थे। 45 मिलियन बच्चे जो थे वो क्या है, एबंडेंट थे, और 39 मिलियन बच्चे जो है वो क्या है, अधिक वजन वाले थे। ये बात इसमें कही गई है इस रिपोर्ट के अंदर। 16th CII Exim Bank Conclave on India and Africa Project were held, ठीक है ना, अभी 16वां इवेंट हुआ है CII और Exim Bank के बीच में, ठीक है ना। Addressing the 16th CII Exim Bank Conclave, S. Jaishankar said कि India's activities in African nations are designed to respond to the needs of Africa and the priority of its people. अभी एक 16वां कॉन्फ्रेंस किया गया था, 16th CII, Confederation of Indian Industry, CII क्या है, Confederation of Indian Industry, और साथ में Export Import Bank के बीच में, जिसमें हमारे S. Jaishankar साहब ने कहा है कि अफ्रीका के देशों में भारत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वहां के लोगों की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जो पहला CII Exim Bank Conclave हुआ था ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट, वो कब हुआ था, 2005 में। पहली बार ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे, 2005 में। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था CII के द्वारा Exim Bank ऑफ इंडिया के सहयोग से और विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है CII और Exim Bank का, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई, इसमें CII और Exim Bank के अलावा सहयोग किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ठीक है ना। द मिनिस्टर लिस्टेड आउट 4 डोमेन्स दैट शुड बिकम द फोकस ऑफ इंडिया अफ्रीका कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। इस मीटिंग में, इस 16th कॉन्फ्रेंस में, 4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स पे या 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज किया गया है। पब्लिक हेल्थ, इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल डिलीवरी, ठीक है ना, स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ग्रीन इकोनॉमी। ये सबसे कॉल ऑफ द आवर है, पब्लिक हेल्थ, डिजिटल, डिजिटाइजेशन, प्रोवाइडिंग स्किल टू द पीपल फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी। इन 4 चीजों को 16th CII Exim कॉन्फ्रेंस में प्रायोरिटाइज किया गया अफ्रीका नेशंस के लिए। क्या क्या, पब्लिक हेल्थ, डिजिटाइजेशन, स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ ही साथ आप क्या बताओगे, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है ना। और जो लास्ट 15 एडिशन हुए हैं उसमें इस कॉन्क्लेव में बहुत सारे इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एंगेजमेंट्स को ब्रीच किया गया है, ठीक है ना, और इससे कई अफ्रीकन नेशंस में बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग्स की काम को अंजाम दिया गया है, ठीक है ना। जो हमारी कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेनमार्क के साथ फॉर हेल्थ एंड मेडिसिन। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट ने हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में अप्रूवल दिया है, डेनमार्क के साथ। जो यूनियन कैबिनेट हमारी है, जिसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एमओयू बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने एक विज्ञप्ति पर सहमति दी है डेनमार्क देश के साथ, ताकि हम स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करके चीजों को आगे ले जा सके, ठीक है ना। ये जो बायलेटरल एग्रीमेंट है, ये एनकरेज करेगा कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड डेनमार्क, और इसके साथ ज्वाइंटली मिलकर के
ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप की जाएगी हेल्थ सेक्टर में ताकि दोनों कंट्री को इसका क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। इसको आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ स्टेटस है उसको बिल्डअप करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो बायलेटरल एमओयू है ये एनकरेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क के रिलेशनशिप को, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बात की जाएगी ताकि हेल्थ सेक्टर को हम और भी क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने मानस कि जो डेनमार्क की कैपिटल है वो क्या है, कोपेनहेगन है। और एक वक्त वर्ल्ड में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन डेनमार्क में होती थी, लेकिन अभी सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होती है, आप बताओगे, इंडिया में। चलिए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, मानव विकास सूचकांक की। इसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। टोटल कंट्रीज इसमें 189 है। इंडिया की रैंकिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है। जो सबसे टॉप रैंकिंग कंट्री है वो नॉर्वे है और सबसे लीस्ट पे कौन है, देखो, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरी चीज क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीन चीजों के आधार पर, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और साथ ही साथ क्या बताया मैंने, तो आप बताओगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसको सबसे पहले 1992 में डेवलप किया गया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक, इन्होंने इसको क्या किया था, विकसित किया था, कौन से ईयर में, 1992 में। और आगे चलकर के इनको सहयोग दिया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा भी। बिल्कुल सही कहा। टोटल कंट्री जिनके बीच में एसडीआई निकाली जाती है 189 है। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है, तो 131 है। सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है, नॉर्वे, और सबसे लास्ट पे कौन सी कंट्री है, नाइजर, ठीक है ना। जो टाइटल था एसडीआई रिपोर्ट का वो क्या था हमारा, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन, द नेक्स्ट फ्रंटियर। इसका थीम क्या है, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। आपको ध्यान रखना है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो लिटरेसी है, ये तीन पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम एचडीआई को कैलकुलेट करते हैं। और एक हमारा है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको पब्लिश की जाती है बिजनेस स्कूल इनसीड के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द एडिको एंड गूगल। जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, जीटीसीआई, ग्लोबल टैलेंट एंड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, इसको कौन डेवलप करता है, बिजनेस स्कूल इनसीड, इसके कोलैबोरेशन के साथ एडिको और गूगल के साथ। इसमें टोटल 132 कंट्रीज होती हैं। इंडिया की रैंकिंग जो ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में 72 है। सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड है और सबसे लीस्ट पे यमेन है, ठीक है ना। सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड और सबसे लीस्ट पे कौन है, यमेन है। इसको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और एंड ऑल्सो मोटिवेट योर फ्रेंड्स टू प्लीज watch this session from Monday to Saturday. Thank you so much guys. Bye bye. Take care. Jai Hind and Namaskar. Milte hain aaj 1 baje static GK mein, jahan pe main tribes ke bare mein discuss karunga. Aaj hum log tribes ke upar kuch questions ko karenge dopahar 1 baje. To 1 baje aap log isi channel pe mere sath miliyega tribes ke upar kuch important questions ko discuss karne ke liye static GK mein. So guys, thank you so much. Just keep rocking, keep smiling and just do take very good care of yourself. See you at 1 p.m. Thank you so much. Bye-bye. And